ताजमहल को दुनिया के सातवां आश्चर्य माना जाता है। तो आज हम हैं ताज नगरी आगरा में। तो पर्यटक जी, आज हम चाहते हैं कि ताज को दीदार करें उसका। मोहन जी, आज हम एक नई कार्य योजना से कार्य करते हैं और हम आज ताज को उसके बैक से देखेंगे, यमुना पार से, क्योंकि इस एंगल से ना तो ज्यादा इसको दिखाया गया है ना इस पर ज्यादा चर्चा हुई है। तो हम आज मेहताब बाग चलेंगे और वहां पे जाकर उसे यमुना पार से बैक व्यू उसका लेंगे ताजमहल का। तो आज हम चलते हैं मेहताब बाग, जो कि हम यमुना पार से ताज का दीदार करेंगे। चलिए चलते हैं। ओके ओके। और प्रोडक्ट हम निकल पड़े हैं मेहताब बाग की ओर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, घूमना वैसे अच्छा होता है, अच्छी जगह दिखना वैसे। चलिए, हमने ये ओला बुक कर लिया है वहाँ के लिए। हम आ चुके हैं मेहताब बाग में। देखिए यहाँ का एंट्रेंस है ये, और ये चारों तरफ पूरा गार्डन है। प्रणा जी, हाँ बताइए, अभी एंट्रेंस में कैसा लग रहा है आपको? सर, एंट्रेंस में आके अच्छा लग रहा है, हरियाली है, हरियाली हमेशा अच्छी होती है। और मेहताब बाग है, अभी हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि ताजमहल यहाँ से कैसा दिखता है। इस समय हम आ चुके हैं मेहताब बाग में, और पीछे आप देख रहे हैं ताजमहल दिखाई दे रहा है। दिख रहा है बनाटा जी? बिल्कुल दिख रहा है सब, और पहली बार ऐसा व्यू देखा है। अभी तक हम बैक से फ्रंट से देख रहे थे, बिल्कुल जैसे आगे से दिखता है पीछे से बिल्कुल वैसे ही। पानी भी कम है यमुना में, और यहाँ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, आप देख रहे हैं। जो पुराने समय का आइडिया था यमुना पार करके यहाँ आने का और बाग में घूमने का, वो अब खत्म हो चुका है, इसलिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पानी भी गंदा है, नावें भी अब नहीं चल रही हैं, और झाड़ियाँ भी यहाँ बहुत सारी उगाई हैं। तो क्या गवर्नमेंट को उसको मेंटेन नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट को उसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो घूमने आते हैं लोग उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखें। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ से जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो नीचे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत से पुराने जमाने की चीजें हैं जो जमा हैं, लेकिन ये दरवाजे भारत सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है, ये अब खुलते नहीं है। अच्छा, जो ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, नीचे जो है ये दरवाजे हैं और इस पर रोक लगी हुई है, यहाँ अंदर कोई जा नहीं सकता है। अच्छा अच्छा, संभव है यहाँ इतिहास से जुड़ी कई बहुमूल्य चीजें यहाँ पे रखी हों, जिसको अब देख पाना संभव नहीं है। अच्छा, हाँ साथ पहली बार आपको ये उसके बैक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा,
और ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है यहाँ पर। मोहन जी एक बात मैं बताना आपको चाहता हूँ कि अगर कोई चीज खूबसूरत होती है तो हर एंगल से खूबसूरत होती है। क्या बात कर रही है आपने, आगे से भी जैसी है पीछे बैक साइड से भी यमुना की तरफ से ऐसी ही बिल्कुल दिख रही है और ये बहुत खूबसूरत बहुत शानदार। ये देखिए मोहन जी कभी अगर हम ताजमहल में आगे से जाते हैं तो इतनी दूर से इतना बड़ा और इतना बड़ा व्यू हमको कभी भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो यमुना है ऐसा कहा जाता है कि जब चांद पूरे फुल मून में होता है पूर्णिमा होती है तो उसमें यहाँ पर जो है नौका बिहार लोग क्या करते थे और चांद का जो है दीदार क्या करते थे। क्या मैं सच कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यदा कथा यहाँ पे अभी भी नाव दिखाई देती है लेकिन अब इस समय दिखाई दे रहा है कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। हाँ इसमें तो पानी भी इस समय बहुत कम है आप देख रहे हैं। मोहन जी इतने खूबसूरत माहौल है सामने ताज है, क्या आपको ताज को देख के कोई मन में को गाना गुनगाने का मन करा है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये कभी फिल्म आई थी उसका गाना याद आ रहा है, सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, बहुत ही खूबसूरत गाना था और इसको देख के बार बार दिल गुनगुना रहा है कि मैं यही गाना बार बार गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा ये मेहताब बाग और यहाँ से खूबसूरत ताजमहल का नज़ारा, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर वास्तव में एक अनोखा अनुभव था आज यहाँ आना। मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर थोड़ा सा धुंध कम होती तो हम बहुत ही खूबसूरत ताज का दीदार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज थोड़ा मौसम कुछ धूप भी है लेकिन उसमें कुछ धूप भी है, मौसम साफ नहीं है, शायद प्रदूषण है तो शायद कुछ कमी रहेगी लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत खूबसूरत बहुत शानदार व्यू था। आज एक नए सिरे से हमने मेहताब बाग से ताजमहल को देखा और खूब इंजॉय किया। हाँ अगर मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी जो है ताजमहल को दूसरे एंगल से, ताजमहल को आगे से फ्रंट से तो आपने देखा ही होगा, उसकी खूबसूरती का दीदार किया ही होगा, लेकिन एक बार जो है मेहताब बाग से यमुना पार से आप एक बार ताज का दीदार जरूर। पुराठा जी मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो ये यमुना नदी का उपयोग है हम इसे टूरिज्म के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉरेन में होता है कि नदी के किनारे जो मोनूमेंट्स होते हैं वहाँ पर एक नाव चलाई जाती हैं, स्टीमर चलाए जाते हैं और उनका पूरा व्यू दिखाया जाता है, तो ये अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो हम ये भी कर सकते हैं यमुना में यहाँ पर जो है बोट चला के या स्टीम चला के अपने जो ताजमहल हो गया और सामने आगे किला हो गया, आगरा किला हो गया, ये मोनूमेंट्स दिखा सकते हैं और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये कुछ हमें फॉरेन से सीखने वाली बात। ये आप देख रहे हैं नौका बिहार हो रहा है ताज के पास। मैं मोहन चंद और मैं अरुण पुनिठा, अब हम आपसे विदा लेते हैं मेहताब बाग से और फिर मिलते हैं। बाय।